हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रति आक्रोश दिखा, क्योंकि रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जब लोकसभा में नीट परीक्षा पर दो टूक कह रहे थे, तब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें सख्ती से बैठने को कहा। इसी मुद्दे पर आज सुबह विधायक सुरेंद्र पनवार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष का पुतला फूंका। सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। देखिए, आपने कल का जो लोकसभा की कार्रवाई देखी होगी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष जी, स्पीकर साहब ओम बिरला जी ने जिस तरीके से, जब बात संविधान की चल रही थी, तो हमारे हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के 5 बार के सांसद उनको जिस तरीके से एक धमकाते हुए और बैठने की बात कही है, जबकि चाहे विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो, विधायक को और सांसदों को अपनी बात रखने का मौका जो है वो संसद में और विधानसभा में ही समय होता है, और वहां पर भी उनकी बात को दबाया गया, और जिस तरीके से आज हरियाणा की जनता ने उनको 3.25 लाख वोटों से जीत लाकर भेजा था, और ऐसे मतलब हरियाणा के लोकप्रिय सांसद को के साथ ये दुर्व्यवहार जो किया है, उसके खिलाफ आज जो है हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के आगे पहुंचे, उनको नमन किया, और आज हम लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है और उनका पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से तानाशाही रवैया उनका है, ये प्रदेश की जनता या और देश की जनता सहन नहीं करेगी, बिल्कुल सहन नहीं करेगी।